टी20 विश्व कप 2024 के दूजे सैमीफाइनल मैच में भारत और इंग्लैंड टीम आमो सामने होंगे। पहला सैमीफाइनल मैच 27 जून वीरवार को दक्षिणी अफ्रीका या अफगानिस्तान विचाले खेडिया जाएगा। दूजा मैच भी इसे दिन खेडिया जाएगा। दोवें सैमीफाइनल मैचों लिए एम्पायरों का ऐलान कर दिया गया। भारत और इंग्लैंड विचाले जो वीरवार को मैच होना है उस सैमीफाइनल मैच में ऑन फील्ड एम्पायर न्यूजीलैंड के क्रिस गैफनी और ऑस्ट्रेलिया के राडनी टक्कर होंगे। सो इस मैच में जोएल विल्सन टीवी एम्पायर होंगे जदों कि पॉल रिफेल चौथे एम्पायर होंगे। न्यूजीलैंड के जैफरी क्रो मैच रैफरी की भूमिका निभाएंगे। इस नाल ही दक्षिणी अफ्रीका और अफगानिस्तान विचाले होने वाले पहले सैमीफाइनल इंग्लैंड के रिचर्ड और भारत के नितिन मैनन मैदान के एम्पायर होंगे। सो वैसट इंडीज़ के रिची रिचर्ड इस मैच लिए मैच रैफरी नियुक्त कर दिया गया। सो भारतीय टीम टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसने ऑस्ट्रेलिया को हरा के सैमीफाइनल क्वालीफाई किया है। भारत इस टूर्नामेंट में हूँ तक अजेतू है। उसने ग्रुप पड़ा तो बाद सुपर 8 में भी चोटी का है जो स्थान हासिल किया है। अपडेट लैके रूबरू होवे देखते रहो लुधियाना लाइव। टी20 विश्व कप 2024 के दूजे सैमीफाइनल मैच में भारत और इंग्लैंड टीम आमो सामने होंगे। पहला सैमीफाइनल मैच 27 जून वीरवार को दक्षिणी अफ्रीका या अफगानिस्तान विचाले खेडिया जाएगा। दूजा मैच भी इसे दिन खेडिया जाएगा। दोवें सैमीफाइनल मैचों लिए एम्पायरों का ऐलान कर दिया गया। भारत और इंग्लैंड विचाले जो वीरवार को मैच होना है उस सैमीफाइनल मैच में ऑन फील्ड एम्पायर न्यूजीलैंड के क्रिस गैफनी और ऑस्ट्रेलिया के राडनी टक्कर होंगे। सो इस मैच में जोएल विल्सन टीवी एम्पायर होंगे जदों कि पॉल रिफेल चौथे एम्पायर होंगे। न्यूजीलैंड के जैफरी क्रो मैच रैफरी की भूमिका निभाएंगे। इस नाल ही दक्षिणी अफ्रीका और अफगानिस्तान विचाले होने वाले पहले सैमीफाइनल इंग्लैंड के रिचर्ड और भारत के नितिन मैनन मैदान के एम्पायर होंगे। सो वैसट इंडीज़ के रिची रिचर्ड इस मैच लिए मैच रैफरी नियुक्त कर दिया गया। सो भारतीय टीम टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसने ऑस्ट्रेलिया को हरा के सैमीफाइनल क्वालीफाई किया है। भारत इस टूर्नामेंट में हूँ तक अजेतू है। उसने ग्रुप पड़ा तो बाद सुपर 8 में भी चोटी का है जो स्थान हासिल किया है। अपडेट लैके रूबरू होवे देखते रहो लुधियाना लाइव।